कैपचिनो कॉफी विद यूएससी कुकिंग किंग। यूएससी कुकिंग किंग आपका अपना चैनल। दोस्तों, आज बनाना सीखते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल कैपचिनो यानी कॉफी, जो बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो चलिए बनाना सीखते हैं कैपचिनो यानी कॉफ़ी। दोस्तों, ये कॉफ़ी बैटर हमने तैयार कर लिया है, देखते हैं ये कैसे तैयार होता है। मैंने दोस्तों 5 पैकेट नेस्कॉफी के लिए हैं, 3 पैकेट मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ और ये हमारा 4th पैकेट इसमें जा रहा है। और ये देखिए 5वां और लास्ट पैकेट मैं इसमें डालने वाला हूँ। आप दोस्तों, आपको दिखाते हैं चम्मच से कि हमारी कॉफ़ी टोटल कितनी हुई। 1 चम्मच, 2 चम्मच और ये 3 चम्मच। 3 चम्मच कॉफ़ी में हमें 3 ही चम्मच शुगर ऐड करनी है, चीनी ऐड कर दी। इसके बाद दोस्तों हमें इसमें 4 चम्मच पानी ऐड करना है। पानी ऐड करने के बाद अब हम इसे हल्के हाथों से फेंटेंगे। दोस्तों, 1-1.5 मिनट के बाद आप महसूस करेंगे कि आपके कैपेचिनो बैटर का कलर चेंज हो रहा है, जैसा कि आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यूएससी कुकिंग किंग आपका अपना चैनल है। हमारा मेन मकसद यह है कि जो भी व्यूअर हमारे वीडियो को देखता है वो पूरी तरह से प्रोफेशनल बने, उसको सारे स्टेप हम बता देते हैं। इसलिए आप घर में बैठ के ही बहुत मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल कैपचिनो बना सकते हैं। अभी देखिए दोस्तों, मैं इसको फेंट रहा हूँ और ये कितना ज़्यादा हो गया है। आपने अभी देखा होगा कि ये बहुत गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है, परंतु अभी ये हुआ नहीं है। मुझे दोस्तों इसको फेंटने में 4 से 5 मिनट लगा है। हो सकता है कि आपको इससे ज़्यादा समय लगे, परंतु धीरे धीरे आप भी इसे जल्दी ही बना लेंगे। और ये हमारा तैयार हो गया है। अब हम कैपेचिनो के लिए दूध को बॉईल करेंगे, जो मैंने रख दिया है। दोस्तों, आप भी रख लीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही हमें परफेक्ट बनाती है। मेरा दूध बॉईल हो चुका है। अब हम इस दूध को कप में निकालेंगे। कैपचिनो बैटर आप देख रहे हैं। इस बैटर को ऐड करने की विधि बहुत ही सरल है। आप अपने कप में दूध डालें, दूध को फुल ना करें, थोड़ा सा कप में जगह छोड़ दें। कैपचिनो बैटर को ऐड करने के लिए आप चम्मच और कांटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे मज़े की बात यह है कि हम इसे अलग अलग फ्लेवर में तैयार कर सकते हैं। आप देख सकते होंगे, जो मेरा पहला कप है इसमें मैंने 2 चम्मच कैपचिनो बैटर ऐड किया है, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी बन गई है। बाकी 3 जो हमारी है ये नॉर्मल है। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें चीनी ऐड कर सकते हैं, परंतु मुझे ऐसे ही पसंद है। तो आप अगर मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो चीनी ऐड कर सकते हैं। आपकी कैपचिनो बनके तैयार है। दोस्तों, इसका लुत्फ़ उठाएं
और कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपकी कैपेचिनो कैसे बनी। धन्यवाद।